हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर थ्री सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स जो कि है क्लास एट का साइंस में और हम लोग एन का सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किया है मैंने अपने मैंने खुद से ही तैयार किया है नोट्स तो हम लोग अभी गो थ्रू करेंगे और समझेंगे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा तो हम लोग देखते हैं तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स को हम लोग देखेंगे जिसका क्वेश्चन आंसर्स मैंने रेडी कर दिया है और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक तो हम लोग चैप्टर में भी पूरा अच्छे से डिस्कस किए थे अगर आप लोग चैप्टर का पूरा फुल थौरो आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के ये चैप्टर को थौरो पढ़ सकते हैं मैंने अच्छे से बताया है तो फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहा जाता है कुछ कुछ फाइबर्स को सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मेड बाय मैन यूजिंग केमिकल्स दैट इज आर्टिफिशियली तो आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है केमिकल्स का यूज करके उसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स और चैप्टर क्वेश्चन नंबर वन मैंने बताया क्वेश्चन नंबर टू थ्री ये सब एम सी क्यू और फिलिंदी ब्लैंक्स है जो कि लास्ट में मैंने डिस्कस किया है अभी सारा ये सब कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस या ब्रीफ क्वेश्चंस सब है गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नाइलन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग तो नाइलन फाइबर्स कैसे स्ट्रांग है इसका एग्जाम्पल्स से हम लोग देखेंगे फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स दे आर यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग तो ऑब्वियसली पैराशूट्स या रोप्स बनता है अगर तो वो चीज़ बहुत स्ट्रांग होगा ठीक है नाइलॉन फाइबर्स देन है दे आर यूज इन मेकिंग सीट बेल्ट फिशिंग नेट्स टायर कॉर्ड एंड स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स रैकेट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो ऑबियसली हम लोग समझ सकते हैं कि नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग बाई सींग दीज एग्जाम्पल्स ओके देन क्वेश्चन नंबर फाइव है एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड प्लास्टिक कंटेनर्स को क्यों फेवर किया जाता है क्यों ज्यादा यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों ने किचन में देखे हैं कि बहुत यूज होता है क्यों होता है प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड बिकॉज द प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ फूड द प्लास्टिक्स आर लाइट वेट एंड स्ट्रांग दे आर ईजी टू हैंडल एंड आर सेफ दे आर इजीली अवेलेबल एंड आर चीप आपको भी अगर कोई ऐसा पॉइंट आपके माइंड में अगर आ रहा है जो मैंने मैंशन नहीं किया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे वो मैंशन कर सकते हैं ठीक है ताकि मुझे भी पता चल पाए अगर कुछ मिस हो जा रहा हो गया हो मुझसे तो ठीक है देन क्वेश्चन नंबर सिक्स है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग के बीच में डिफरेंस तो थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ऐसे डिफरेंस बिटवीन करने के लिए ऐसा बीच में लाइन करके खींच करके हम लोग करेंगे ये अच्छा होता है स्कोरिंग के लिए दिस पट थर्मो प्लास्टिक्स में हम लोग देखते हैं दीज प्लास्टिक्स सॉफ्ट एंड ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली ये जो प्लास्टिक है थर्मो प्लास्टिक ये सॉफ्ट हो जाता है हीट करने पे और इजीली बेंट हो जाता है ठीक है तो थर्मोसेटिंग में क्या होता है दीज प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्ट एंड अगेन अगर इसको कोई शेप में कोई साइज में अगर मोल्ड कर दिया जाए कोई शेप में ढाल दिया जाए मोल्ड कर दिया जाए तो दोबारा ये सॉफ्ट नहीं हो सकता है ठीक है और ये बेंट भी नहीं हो पाएगा मतलब एक बार सेट हो गया तो फिर दोबारा इसका शेप चेंज नहीं होगा लेकिन थर्मोप्लास्टिक में ऐसा नहीं है थर्मोप्लास्टिक क्या है वो बेंट हो सकता है इजीली ठीक है तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में ये इजीली बेंट हो जाएगा ये बेंट नहीं होगा एक बार मोल्ड हो जाने के बाद उसका वो सॉफ्ट नहीं होता सॉफ्ट नहीं होगा तो बेंड वेंट कुछ भी नहीं होने वाला देन पॉइंट नंबर टू है थर्मोप्लास्टिक में दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी तो इसमें क्या है वो उसका प्लास्टिसिटी जो है उसका जो सॉफ्टनेस जो प्लास्टिक का जो फीचर होता है तो वो प्लास्टिसिटी जो है वो ये लूज नहीं करता है ठीक है और ये जो है वो प्लास्टिसिटी लूज कर देता है क्योंकि एक बार ये मोल्ड होने के बाद हार्ड रूप में आ जाता है हार्ड शेप में आ जाता है फिर वो प्लास्टिक जैसा नहीं बिहेव करता है और वो उस अपना शेप चेंज नहीं करता है तो दे लूज देयर प्लास्टिसिटी वो अपना प्लास्टिसिटी को खो देता है ठीक है देन एग्जाम्पल्स में देखेंगे पॉलीथीन पी थर्मोप्लास्टिक में और पीवीसी का फुल फॉर्म याद रखना है पॉलीविनाइल क्लोराइड क्योंकि एम सी क्यू में बहुत बार पूछा जाता है ये और एग्जाम्पल्स इसका थर्मोसेटिंग में है बेकेलाइट एंड मेलामाइन बेकेलाइट और बेकेलाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट टेफलॉन ये सब ये सब पे वन मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि बेकेलाइट का यूज कहाँ पे होता है जो कि किचन वेयर जो होता है जो कुकर होता है उसका हैंडल वगैरह जो बनता है कुकर सॉसपेन का वो बेकेलाइट से बनता है क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है इससे हीट पास नहीं होता है और हमें ये जलने से बचाता है इसलिए बेकेलाइट इंपॉर्टेंट है ठीक है देन क्वेश्चन नंबर सेवन है एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ये जो सॉसपेन हैंडल इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेज प्लग बोर्ड ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है ठीक है तो क्यों बनता है वाई ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अभी जस्ट मैंने ऊपर अभी बताया बेकेलाइट को यूज़ किया जाता है जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ठीक है तो उसको हम लोगों को बताना है कि क्यों यूज़ किया जाता है तो सॉसपेन हैंडल्स में यूज किया जाता है थर्मोसेटिंग को सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डू नॉट गेट हीटेड अप वाइल कुकिंग दे आर यूज फॉर मेकिंग सॉसपेन हैंडल्स इसीलिए इन लोगों को इसको सॉसपेन के हैंडल्स बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि वो हीट नहीं होता है उसे हीट पास नहीं होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है देन इलेक्ट्रिक प्लग्स स्विचेस प्लग बोर्ड्स इसमें थर्मोसेटिंग क्यों यूज होता है सिंस थर्मोसेटिंग्स आर अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो ठीक है हीट का तो है ही साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है एंड इलेक्ट्रिक करेंट डज नॉट पास थ्रू च प्लास्टिक दे आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग्स स्विचेस प्लग बोर्ड इसीलिए इसको यूज किया जाता है क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं होता है और सॉसपेन के केस में सॉसपैन हैंडल के केस में उसमें हीट पास नहीं होता इसलिए उनको यह सब जगहों पर यूज किया जाता है ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेगराइज द मेटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन टू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड दो कैटेगरी में इन सब यहाँ पे कुछ आइटम्स प्रोडक्ट्स मटेरियल्स का नाम दिया हुआ है जिनको दो कैटेगरी में बांटना कैन बी रिसाइकल्ड जो रिसाइकल हो सकता है और जो कैन नॉट बी रिसाइकल्ड जो नॉट रिसाइकल्ड है तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक बैग कुकर हैंडल सा, सारा मैंने लिखा नहीं है डॉट डॉट दे दिया है तो मैंने डायरेक्ट आंसर में बता दिया है कि जो कैन बी रिसाइकल्ड है जो रिसाइकिल किया जा सकता है वो क्या है प्लास्टिक टॉयज कैरी बैग्स प्लास्टिक बोल्स प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स प्लास्टिक चेयर्स और कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स कुकर हैंडल्स ये सबको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुकर हैंडल्स जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है बेकेलाइट थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है वो कभी भी एक शेप में ढल जाने के बाद मोल्ड होने के बाद दोबारा उस वो कोई काम वो फिर से दूसरा कोई शेप में नहीं ढल सकता उसको पिघलाया नहीं जा सकता है इसलिए थर्मोसेटिंग को बोलते हैं कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड तो थर्मोसेटिंग में ही आता है कुकर हैंडल्स बॉल पॉइंट पेन्स इलेक्ट्रिकल स्विचेस ठीक है देन अगला क्वेश्चन है राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर राना को समर के लिए समर सीजन के लिए गर्मियों के लिए शर्ट्स खरीदना है ठीक है शुड ही बाई कॉटन शर्ट्स और शुड और शर्ट्स मेड फ्राम सिंथेटिक मटेरियल गर्मियों में उसको शर्ट चाहिए गर्मी के लिए तो उसको कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए या फिर उसको सिंथेटिक मटेरियल का शर्ट खरीदना चाहिए एडवाइज राना गिविंग रीजन और राना को यह एडवाइज दो रीजन के साथ तो ही शुड बाय कॉटन शर्ट्स उसको कॉटन शर्ट्स खरीदना चाहिए क्यों दिस इज बिकॉज कॉटन हैज मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देन सिंथेटिक क्लोधेज कॉटन के पास मॉइस्चर होल्डिंग जो कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होता है ठीक है सिंथेटिक फाइबर से सिंथेटिक क्लोधेज से सॉरी इन समर सीजन वी यूज टू स्वेट मोर विच इज इजीली सोक्ड बाई कॉटन क्लोधेज ठीक है हम लोग गर्मियों में बहुत पसीना होता है हम लोगों को स्वेटिंग होता है तो ये सोक हो जाता है कॉटन क्लोधेज के द्वारा कॉटन क्लोथ जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड हेंस कॉटन क्लोधेज आर मच कम्फर्टेबल इसीलिए कॉटन क्लोथ्स कम्फर्टेबल होता है गर्मियों में एंड बेटर देन द क्लोधेज मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल और सिंथेटिक मटेरियल से बेटर होता है और सिंथेटिक मटेरियल अगर हम लोग गर्मियों में पहनेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा हमारे स्वेटिंग को और हम लोगों को बहुत स्किन इरिटेशन हो सकता है उससे ठीक है इसीलिए यह सजेस्ट किया जाता है कि हम लोगों को कॉटन शर्ट्स यूज करना चाहिए मोस्टली इन गर्मियों के सीजन में ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन है गिव एग्जाम्पल्स टू शो डैट प्लास्टिक्स आर नॉन कॉरोजिव इन नेचर नॉन कॉरोजिव का मतलब क्या होता है कि उसको कभी कोई नुकसान नहीं होता है उसमें कभी जंग नहीं लगता है रस्टिंग नहीं होता है तो नॉन कॉरजिव उसको बोलते हैं और कॉरोजिव मतलब उसमें जंग लग जाना वो वियर एंड टीयर हो जाना टूट फूट जाना वैसा तो नॉन कॉरोजिव इन नेचर ठीक है ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो ऐसा बताता है प्लास्टिक के बारे में द लिटरल मीनिंग ऑफ नॉन क्रोजिव इज रेजिस्टेंट टू गेट डिस्ट्रॉयड बाई केमिकल रिएक्शन तो नॉन क्रोजिव का मतलब ये है कि रेजिस्टेंट टू गेट डिस्ट्रॉयड बाई केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से उसको रेजिस्टेंट है वो रेजिस्ट करता है खुद को खुद को खुद को बचा लेता है केमिकल रिएक्शन से डिस्ट्रॉय होने से ठीक है फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स दैट शोज दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कॉरोजिव इन नेचर यह फॉलोइंग एग्जाम्पल से यह प्रूव होता है प्लास्टिक कंटेनर्स डो नॉट रिएक्ट विथ द फूड आइटम्स स्टोर्ड इन इट जो भी हम लोग फूड आइटम उसमें रखते हैं वो उससे रिएक्ट नहीं करता है ठीक है दे डू नॉट गेट रस्टेड ये रस्ट भी नहीं होता जंग नहीं खाता है वैन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर दे डू नॉट डिकम्पोज वैन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड खुले में कभी भी फेंक करके रख दो ये कभी डिकम्पोज नहीं होगा सड़ता नहीं है प्लास्टिक तो इससे प्रूव होता है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन इन नेचर है देन अगला क्वेश्चन है शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल एक्सप्लेन योर आंसर टूथब्रश और उसमें जो ये रहता है ब्रश के ऊपर में जो सॉफ्ट पार्ट रहता है जो हमारे टीथ को रब करता है उसको ब्रिस्टल्स बोलते हैं ठीक है तो वो सेम मटेरियल का बनना चाहिए एक्सप्लेन करो नो no. द हैंडल एंड द ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथ ब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल दिस इज बिकॉज अवर गम्स आर सॉफ्ट इन नेचर एंड द ब्रिस्टल्स शुड बी मेड सॉफ्ट मटेरियल हमारा जो गम्स है मसूड़े हैं वह सॉफ्ट होता है तो उसके लिए ब्रिस्टल्स जो है वह सॉफ्ट मटेरियल का बना होना चाहिए नहीं तो उसको हर्ट कर देगा सो दैट इट डज नॉट हार्म द गम्स ऑन द अदर हैंड हैंडल्स शुड बी मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल सो दैट इट कैन गिव अ फर्म ग्रिप तो हैंडल्स जो है वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए हैंडल जो ब्रश का है वो हार्ड होना चाहिए और इसका जो ब्रिस्टल्स है ये सॉफ्ट होना चाहिए ताकि ये हमारे मसूडों को नुकसान ना पहुंचाए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल कमेंट ऑन दिस एडवाइस अभी तो हम लोग प्लास्टिक का अच्छा ही देखें अभी देख अभी क्वेश्चन में बोला गया कि प्लास्टिक को हम लोगों को कम से कम यूज किया जाता है इसको इस पर टिप्पणी कीजिए कमेंट कीजिए प्लास्टिक्स मस्ट बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मैंने पॉइंट वाइज इसका आंसर तैयार किया है ताकि आप लोगों को याद रह पाए और एग्जाम में आप लिख पाए अच्छे से सिर्फ आप पॉइंट को याद रखेंगे तो आप ऑटोमेटिक आप एक्सप्लेन कर पाएंगे जैसे पहला पॉइंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड नहीं हो जो टूटे नहीं टूट करके मिट्टी में मिले नहीं जो सड़े नहीं कभी उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं द प्लास्टिक मेटेरियल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर दे आर बाय हैविंग वेरी बैड इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट तो यह सड़ता नहीं है और इन्वायरमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है क्योंकि ये बाद में फिर सॉयल में भी मिक्स हो जाता है और प्लांट्स को भी क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाता है देन एयर पॉल्यूशन वेन प्लास्टिक्स आर बर्नड इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इन टू द एटमोसफेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन तो एयर पॉल्यूशन होता है तब जब प्लास्टिक्स को जलाया जाता है और उसमें से बहुत ही खतरनाक और भयंकर फ्यूम्स गैस निकलता है धुआं निकलता है और एटमोसफेयर को पॉल्यूट करता है देन डेंजरस फॉर एनिमल्स एनिमल्स के लिए डेंजरस है ये वेन वी थ्रो प्लास्टिक ओपनली हेयर एंड देयर इट इज इटेन अप बाई एनिमल्स लाइक काउज एंड डॉग्स विच चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम दिस कैन कॉज डेथ ऑफ दिस एनिमल्स तो कभी कभी जानवर जो है वो प्लास्टिक्स को खा जाता है गलती से और हम लोग इधर उधर फेंकते हैं वो खा जाते हैं और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ब्लॉक होने का खतरा होता है जिससे उनका डेथ भी हो जाता है तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए देन ड्रेन ब्लॉकेज द वेस्ट प्लास्टिक्स वन थ्रोन हेयर एंड देयर केयरलेस केयरलेसली केयरलेसली गेट इन टू डर्टी वाटर ड्रेन्स एंड सीवर्स एंड ब्लॉक देम वो ड्रेन्स में चला जाता है जब हम लोग प्लास्टिक इधर उधर फेंकते हैं तो और उसको ब्लॉक कर देता है इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्लास्टिक सारे थ्री टू आवर इन्वायरमेंट तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं प्लास्टिक जो है वो थ्रीट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो हम लोग इसको एज अ पॉइंट याद करके रख सकते हैं नॉन बायोडिग्रेबल है एयर पॉल्यूट एयर पॉल्यूशन करता है डेंजरस फॉर एनिमल्स है ड्रेन ब्लॉकेज है इसमें आप और कुछ ऐड कर सकते हैं अपने मन से भी कुछ ऐड करना चाहें तो आप मुझे भी बताइए कमेंट करके जैसे वो सॉइल सॉइल पॉल्यूशन भी करता है सॉइल में मिल जाता है तो वो डिग्रेड नहीं होता है और सॉइल को भी हार्म करता है ऐसे करके आप भी ऐड कर सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग तो मैंने मैचिंग डायरेक्ट करके दिखाया है ठीक है ऐसा बॉक्स बना करके मैंने मैच करके दिखाया है जैसे पॉलिस्टर जो है फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली पॉलिस्टर वो होता है जो वो फैब्रिक्स होता है जो रिंकल नहीं होता है मुड़ता नहीं है टेफलॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है टेफलॉन को रेयन प्रीपेयर्ड बाई यूजिंग वल्ब रेयन एक ऐसा फाइबर है जो बल्ब से प्रीपेयर किया जाता है ये एमसीक्यू में भी आ सकता है ये सारे ही नाइलॉन यूज फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग्स बिकॉज नाइलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन अगला क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट जब सिंथेटिक फाइबर ये सब हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो क्या हम लोग कंजर्वेशन फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर रहे हैं क्या इस पर कमेंट करना है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर का मतलब मैन मेड फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर वी यूज ओनली केमिकल सब्सटेंसेस। तो सिंथेटिक फाइबर जब बनता है तो हम लोग सिर्फ केमिकल सब्सटेंसेज का यूज करते हैं एंड नो नेचुरल थिंग्स दस इन टर्न वी कंजर्व फॉरेस्ट तो हम लोग सिर्फ केमिकल सब्सटेंसेज यूज करते हैं नेचुरल सब्सटेंसेज जो होता है नेचुरल थिंग्स जो होता है जैसे पेपर हो गया जैसे जैसे प्लांट्स हो गया जैसे एनिमल्स हो गया उन सब का यूज नहीं करते हैं दस इन टर्न वी कंजर्व द फॉरेस्ट इसीलिए हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं वेयर एज इन द मेकिंग ऑफ नेचुरल फाइबर्स जब हम लोग नेचुरल फाइबर बनाते हैं वी यूज थिंग्स और मेटेरियल्स ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज़ फ्रॉम नेचर तो नेचुरल फाइबर जब बनता है तो हम लोग नेचर से ही सारे रॉ मेटेरियल्स लेते हैं लेकिन जब हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं तो हम लोग अल्टीमेटली फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट का कोई भी चीज यूज ही नहीं कर रहे हैं फिफ्टीन है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अरेंज अ इलेक्ट्रिक सर्किट पुट अ गैप बिटवीन टू एंडस ऑफ द वायर ठीक है प्लेस अ थर्मोप्लास्टिक इन द गैप कनेक्ट द सर्किट टू सेल एंड स्विच ऑन इट ऑब्जर्व द बल्ब इट इज ऑब्जर्व दैट द बल्ब डज ऑन ग्लो डज नॉट ग्लो दिस शोज दैट थर्मो प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसा हम लोगों को सर्किट लेना है जिसमें सेल लगाना है यहाँ पे गैप देना है जो गैप का बात किया गया इसके बीच में थर्मोप्लास्टिक फिट करना है यहाँ पे बल्ब लगाना है जब ये इसमें करंट आएगा तो बल्ब बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से करंट पास नहीं होगा क्योंकि थर्मोप्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है देन एमसीक्यू का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर टू मैंने छोड़ दिया था रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज इसका डायरेक्ट मैंने आंसर दिया है इट इज ऑबडेंट फ्रॉम वुड पल्प ये इंपॉर्टेंट है रेयन जो है अदर सिंथेटिक फाइबर से अलग होता है क्योंकि वो वुड पल्प से बनाया जाता है ठीक है देन क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन दी ब्लैंक्स है सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स ये क्वेश्चन में भी था और इसमें भी है सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड

और बेकेलाइट को कुकर का हैंडल वगैरह ये सब में भी बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है नाइलॉन इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू तो मेक क्लोदेज एक्राइलिक इज यूज एज अ अबस्टिट्यूट ऑफ नेचुरल उल फॉर नीटिंग स्वेटर्स ब्लैंकेट्स इटीसी मेला माइन इज यूज फॉर मेकिंग किचन वेयर बिकॉज इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स क्वेश्चन नंबर टू है एक्स्ट्रा में हाउ इज रेयन मेड गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेयन रेयन इज ऑबटेन्ड फ्रॉम उड पल्प उड पल्प से बनने वाला ये सबसे अलग फाइबर है ठीक है बाई ट्रीटिंग इट केमिकली इट इज चीपर देन सिल्क बट कैन बी वोवन एज सिल्क फाइबर क्वेश्चन नंबर थ्री है गिव सम यूजेज ऑफ पीई टी पीईटी का मतलब होता है पॉली इथाइलिन टेरेपथैलेट पीई टी इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स यूटेंसिल्स फाइबर्स एंड वायर्स गिव द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलीकॉट एंड पॉली उल पॉलीकॉट का मतलब होता है पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन पॉलीउल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड उल देन क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक मेक इट यूजफुल यह इंपॉर्टेंट हो सकता है ज्यादा प्लास्टिक कैन बीक्स रिसाइकल्ड री यूज कलर्ड मेल्टेड रोल्ड इंटू शीट्स और

डिकम्पोज हो जाए जो सड़ जाए जो खत्म हो जाए और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नहीं सड़े जो खत्म ना हो अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया के द्वारा वो डिकम्पोज हो जाए जैसे कॉटन है पेपर है यह सब सड़ जाता है तो ये बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडि नॉन बायोडिग्रेडेबल अ मेटेरियल विच डज नॉट गेट्स डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेस एग्जाम्पल प्लास्टिक्स प्लास्टिक सड़ता नहीं है तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है आप लोगों को जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए या कोई भी सजेशन हो तो बताइए ठीक है और कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिए ठीक है और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स